more delicious recipes, subscribe Sara's Kitchen. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मेरे किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी है जो कि बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो है दूध है, मैंने फुल फैट दूध आपने लेना है। तो 1 लीटर दूध लिया है मैंने यहाँ पर, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर के हैं। यहाँ कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, अगर इसको ग्लास में मैयर करें तो तकरीबन ये 4 ग्लास बनते हैं, उसी हिसाब से मैंने कॉर्नफ्लोर जो है ये भी 4 टेबल स्पून ही लिया है। यहाँ पे मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये भी आपने तकरीबन 8 टेबल स्पून इसके ले लेने हैं। और मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी, चीनी भी डाल सकते हैं आप और दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दूध के अंदर हम ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कोको पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है, ठंडे दूध में ही कर लेना है, नॉर्मल दूध में, गरम दूध में हमने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको एक आपके साथ चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी मैंने शेयर की थी और मैं काफ़ी दफ़ा बना भी चुकी हूँ अपने उसमें रेसिपीज़ में, तो वो अगर उसकी भी आप आइसक्रीम बिल्कुल जमाना चाहें तो उसको भी आप बिल्कुल उसी तरह से तैयार करके जिस तरह से मैंने आपको सिखा चुकी हूँ वो रेसिपी, तो उसको भी आप जमा दें, बहुत ही अच्छी उसकी भी आइसक्रीम बन के तैयार होती है। ये मैं इसलिए इस तरह से बना रही हूँ कि उसमें जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, तो अगर जेलेटिन कई लोगों को नहीं भी मिलता है तो वो इस तरह से बना लें तो उसमें जेलेटिन है वो भी बहुत ही अच्छी बनती है और आइसक्रीम उसकी बेहद अच्छी आपकी बन के तैयार होगी, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसको हम मैंने चूल्हे पर रख दिया है, इसके नीचे मैंने मीडियम आँच की है, तो इसको हमने खूब अच्छा गाढ़ा होने तक पकने देना है। चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने। क्रीम को मैंने पहले ही व्हिप करके रख दिया है, व्हिप करना तो मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरह से ही बस क्रीम को आपने फुल ठंडा कर लेना है और उसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है ताकि वो डबल हो जाए। और उसको मैंने करके फ्रिज में पहले से ही रख दिया है। मैंने इसके लिए तकरीबन 1.5 कप व्हिप क्रीम का लिया था और फीकी वाली ली है मैंने, मीठा मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। तो मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। तो मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो कंडेंस मिल्क मैंने रखा हुआ है 1 कप भर के है, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। आप चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आप चीनी डालेंगे इसमें तो आप 1.5 कप चीनी का डालेंगे 1 लीटर में, तो अब मैं ये इसमें ऐड करूँगी। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, खूब अच्छी तरह से हमने पका के इसको गाढ़ा कर लेना है। मीठा आपने चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अभी इसमें व्हिप क्रीम भी जाएगी तो मीठा और भी थोड़ा फिर कम होगा, तो इसलिए मीठा आपने खुद ही चेक करके तो उसको आपने उसी हिसाब से सेट रखना है। अगर चीनी जा रही है तो 1.5 कप इसमें भर के चला जाएगा। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क जो है वो उसका 1/2 कप और ऐड किया है, क्योंकि मीठा थोड़ा कम था तो 1/2 कप मैंने और ऐड कर दिया है इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब चॉकलेट का जो हमारा ये मिक्सचर है बहुत अच्छा रेडी हो गया है, तो अब इसकी आँच को मैं बंद करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। तो ये मिक्सचर हमारा जो है ये ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ठंडा है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए, बाकी का काम भी करते हैं। अब यहाँ मैंने व्हिप क्रीम ली है, मैंने 1 पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है और इसको मैंने थोड़ा सा बीट करके रखा था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी, इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून है ये क्रीम ऑफ टार्टर,
ये इसका काम ही होता है कि चीज़ों को स्टेबलाइज करने के काम आता है, जिस तरह से इसको सेट करने के काम आएगा और इसको फुलाएगा भी थोड़ा सा। तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर दोबारा से इसको मैं एक दफ़ा बीट करूँगी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, मैंने भी ये अपने मोहल्ले की एक शॉप से मंगवाया और आसानी से मिल गया। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये ना मिले, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे जो है क्रीम बहुत अच्छी सेट हो जाएगी, केक पर भी जब आप क्रीम को सेट करने लगें तो ये आप इसमें क्रीम ऑफ टार्टर जो है ये थोड़ा सा मिला लिया करें। ये पाउडर होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए ये सेट रखता है चीज़ों को। तो ये देखें क्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से विप हो गई है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे सेट है ये अपनी जगह पर। तो मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसमें जो विप क्रीम मैंने आपको दिखाई थी, अभी मैंने इसको विप किया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको तमाम को हम फिर से विप करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए आपका मिक्सचर, ठंडा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको मैं फ्रीज करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना कंटेनर लिया है जिसमें मैं इसको डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दूंगी। चॉकलेट से भी गार्निश कर सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर लें, बाद में चॉकलेट भी डाल देंगे इसके ऊपर। तो इसको अब अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसको मैं फ्रीज कर दूंगी ओवरनाइट के लिए। बर्तन जो है आपका एयर टाइट होना चाहिए, कहीं से भी उसके अंदर हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए, वरना फिर इसमें क्रिस्टल आ जाते हैं। तो यहाँ ओवरनाइट रखने के बाद मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया आइसक्रीम को। आइसक्रीम आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमारी सेट हो चुकी है। तो मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ, इसमें से हम निकाल लेंगे, क्योंकि आइसक्रीम मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने दूसरे कंटेनर में भी उसको फ्रीज़ किया था, उसको हम काट लेंगे। और इसको मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी, क्रिस्टल फ्री और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर लें, मैंने ये स्प्रिंकल्स लिए हैं, स्प्रिंकल्स के साथ मैं इसको डेकोरेट करूँगी और ये बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो दूसरी भी काट लें हम, फिर मैं आपको वो भी साथ ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मैंने काट के रख ली है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये भी तैयार हुई थी। तो माशाल्लाह से मेरी ये जो आइसक्रीम है बहुत अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।